तो स्वागत है आपका फिर से हिस्ट्री के इस नए वीडियो में, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय टॉपिक था, हमारा लेसन का नाम है, उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले जाने कि यूनान कैसा देश था, ठीक है, और इसका वहाँ पे क्या प्रभुत्व था, वहाँ पे किस तरह से अपने शासन काल को यूरोप में ही चला रहा था, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि यूनान का स्वतंत्र संग्राम। सबसे पहले यूनान एक ऐसा देश है जो हर तरह से परिपूर्ण था। इसके पास मतलब कहा जाए तो ताकत में भी सबसे आगे यूनान था, हर क्षेत्र में बहुत ही आगे था, लेकिन हर क्षेत्र में आगे रहने के बाद आखिरकार यूनान में भी स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, लड़ाई क्यों हुई? इतना जो देश आगे है, हर एक कामयाबी को पा लेता है, हर एक चीज़ को आसानी से हासिल कर लेता है, फिर ये यूनान आखिर गुलाम क्यों हुआ, इस पर अधिकार क्यों किया? तो कहा जाता है कि अगर कोई राजा काफ़ी ताकतवर है और वो अय्याशी में डूब जाए तो अपने से गुलाम हो जाता है, उस कहा जाता है उससे प्रजा से अगर वो दूर हो जाए और लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे तो गुलाम उसको होना ही है। लेकिन यूनान में कुछ थोड़ा सा अलग हुआ था। ये यूनान बहुत ही ताकतवर देश है और ठीक है, साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत ही आगे है, ठीक है, सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत था, तो वो यूनान था। कैसे? मतलब यहाँ जो भी काम होता था उसको दूसरे देश लोग देख करके और तब सीख जाते थे, इतना ये प्रेरणा का स्रोत था। इससे देख करके लोग मोटिवेट होते थे, दूसरे देश के लोग आते थे और यूनान से नया नया टिप्स ले करके और फिर आगे बढ़ते थे, इतना देश ये आगे था, पूरे देश के लिए, यूरोप के सभी देशों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था, इतना आगे था, हर क्षेत्र में ये आगे था, पढ़ाई लिखाई, तलवारबाजी, हर एक वीरता का हर एक गुण इसके पास मौजूद था, फिर भी ये गुलाम बन गया। आखिरकार इसके साथ कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से यूनान गुलाम बन गया? तो यूनान के लोग अपने मतलब इनके पास जो भी टैलेंट था उसमें इतना ये लोग मतलब माहिर हो गए और माहिर होने के बाद धीरे धीरे इसको इग्नोर कर लें कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं और सब काम करना बंद कर दिए। उसके बाद काम बंद कर देने के बाद से धीरे धीरे ये कमज़ोर होने लगे और कमज़ोर होने के बाद से एक ऐसा देश जिसका नज़र हमेशा यूनान पर था, जो तुर्की था, जब देखा कि यूनान काफ़ी कमज़ोर हो गया है तो तुर्की इस पर जा कर के अधिकार जमा लिया। उस समय 15वीं सदी में तुर्की के ये अधीन हो गया था। 15वीं सदी का मतलब होता है कि 1401 से लेकर और 1500 के बीच के ईस्वी को हम लोग 15वीं सदी कहते हैं। उस समय ये यूनान फिर से मतलब यूनान गुलाम हो गया, तुर्की के अधीन हो गया और वहाँ ऑटोमन साम्राज्य, उस समय वहाँ के जैसे होता है बुर्बो वंश वगैरह था, तो वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का राज था, जिसमें क्या किया तुर्की ने अपने अधीन ले लिया इसको। अब देखिए यहाँ पे संग्राम के कारण यूनान को अपनापन, यहाँ पे अब लड़ाई हुआ क्यों, जब तुर्की यूनान को अपने अंडर में ले लिया तो तुर्की तो समझिए तो तुर्की ने क्या किया कि यूनान को गोद ले लिया एक तरह से समय तो, लेकिन इसको इग्नोर कर रहा था, किसी भी मामला में यूनान को तुर्की जैसा समर्थन नहीं दे रहा। तुर्की के जो मान लीजिए कि तुर्की के कुछ लोग हैं और यूनान के कुछ लोग हैं, तो तुर्की के लोगों को लोगों के जिस तरह समर्थन देता था उस तरह से यूनान के लोगों को नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यूनानी लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते थे कि अरे यार, जब मेरे को अपने अधीन किया है, मेरे को अपने अंडर में लिया है, तो हमको भी तुर्की के लोगों जैसा अधिकार देना चाहिए इसको। ये चीज़ सोच करके यहाँ यूनान के लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। उन लोगों को दिमाग खुला कि अरे यार, हमारे समय में जब हम लोग थे तो हम लोगों के पास इतनी ताकत थी और इतना ज्ञान था, हम लोग हर क्षेत्र में आगे थे, ठीक है, और ये कैसे कैसे आकर के तुर्की हम लोगों को अपने अधीन में ले लिया, हम लोग के अंदर कुछ कमी रही है। अब धीरे धीरे जब तुर्की इन पर दबाव बनाने लगा तब इन लोगों का दिमाग खुला कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं, ठीक है, और फिर ये विद्रोह करना शुरू कर दिए। संग्राम का कारण वही था, यूनान को अपनापन की कमी, 18वीं सदी तुर्की कमज़ोर हो गया। और जब ये लोग विद्रोह करने लगे तो धीरे धीरे तुर्की को लगा अरे यार, यूनानी लोग अब थोड़ा सा फिर से इन लोगों का दिमाग खुल चुका है, अब धीरे धीरे ये यूनानी लोग तुर्की पर धीरे धीरे जा करके हर एक बात पर संग्राम शुरू कर देते, लड़ाई शुरू कर देते, मतलब लड़ाई फाइटाबेटी सब शुरू कर देते थे। धीरे 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 हुआ क्या कि तुर्की कमज़ोर होने लगा, ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया और यूनान के विद्रोह को वो झेल नहीं पा रहा था। उसको किसी की समर्थन की जरूरत थी कि कोई दूसरा देश मतलब हमको हेल्प करे, तब जाके हम यूनान के लोगों को दबाए, क्योंकि देखो यूनान कमज़ोर नहीं था, वो दिमाग से शुरू से ही मजबूत था, ठीक है, लेकिन वो अपने अय्याशी के चक्कर में, ठीक है, उसको
मतलब वो तुर्की के अधीन हो गया, वो समझ ही नहीं पाया कि हमको कब गुलाम बनाया गया, और इस तरह से तुर्की ने उसे गुलाम बना लिया था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब तुर्की काफ़ी कमज़ोर होने लगा, यूनान का दबाव बढ़ने लगा, वहाँ के हर एक लोग यूनान के खिलाफ जाने सॉरी तुर्की के खिलाफ जाने लगे, ठीक है, तब यूनानी तब तुर्की इतना कमज़ोर हो गया कि लग रहा था कि एक मरीज की तरह दिखने लगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। कोई पूछ देगा कि क्यों कहा जाता है, तो यूनान जब विद्रोह शुरू किया तो इस विद्रोह को झेल नहीं पाया, ठीक है, और धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगा और एक मरीज की तरह दिखने लगा। इसीलिए यूरोप का मरीज हम लोग किसको कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। और लास्ट में 18वीं सदी के अंत तक सारे यूनान के जितने भी मतलब ज्ञानी लोग थे अपना अपना संगठन बनाने लगे और संगठित होकर के एक होकर के और प्लानिंग करने लगी कि अब तुर्की को हराना कैसे है। और यहाँ पे तुर्की अब धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, तो तुर्की को किसी की मदद की ज़रूरत थी। यहाँ देखिए क्या क्या हुआ था, हितेरिया फिलाइक संगठन की स्थापना एक हुई और ये शक्तिशाली मध्यम वर्गीय द्वारा हुआ। जो मध्यम वर्गीय जो मतलब क्या उत्पन्न हुए थे किस यहाँ पे तुर्की के खिलाफ, ठीक है, उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया लोगों को इकट्ठा करके, और उस संगठन में उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि हम लोग को तुर्की को कैसे हराना है, ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था बाबू, यहाँ पे तुर्की शासन की समाप्ति। इन लोगों का एक ही टो मोटो था, एक ही टो इन लोगों का समझिए तो प्लान बन चुका था, प्लानिंग हो रहा था कि किसी तरह तुर्की को हमको हरा देना है, ठीक है। विद्रोह आरंभ हो गया, स्वतंत्रता सेनानियों को कुचलना। अब ये विद्रोह कब शुरू हुआ, यहाँ पे जो तुर्की था वो जो भी लोग स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न हो रहे थे, आगे उपज रहे थे, ठीक है, यूनान से, उन लोगों को एक बार कुचल दिया तो वहाँ से हम लोगों का विद्रोह शुरू हो गया। यहाँ पूरा का पूरा तुर्की में विद्रोह शुरू हो गया और यूनान अब हर एक छोटी छोटी बातों पर तुर्की से लड़ जाता था। यूनान के लोगों को दबा रहा था और यूनान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो बार बार लड़ जा रहा था। यहाँ क्या हुआ, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर, इसके द्वारा ये अलेक्जेंडर फ्लांडिस जो हैं इन्होंने हिप्लांडिस जो हैं इन्होंने एक संगठन बनाया और उसके जरिए मतलब विद्रोह के सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाले थे तो अलेक्जेंडर हिप्लांडिस थे। वो किस हिसाब से, तो 1821 में इन्होंने विद्रोह शुरू किया और इनके विद्रोह को भी दबाया गया। ये जो मेटर्निक था, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मेटर्निक एक ऐसा व्यक्ति है जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद यूरोप में उत्पन्न होगा, यूरोप में क्या कहीं भी, और जब जब मेटर्निक को पता चलेगा कि यहाँ राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ के लिए मेटर्निक समझिए तो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता। उस राष्ट्रवाद को दबाने के लिए कोई ना कोई हथकंडा हमेशा अपनाता रहता था। मेटर्निक हर मैटर में पढ़ने की आदत थी इसको, इसलिए नाम भी इसका है मेटर्निक, मैटर में दखल देने वाला। तो मेटर्निक क्या किया, इस विद्रोह को दबाने के लिए जो अलेक्जेंडर के जितने भी आदमी थे, इसके द्वारा जो संगठन बनाया गया था उसको, उस विद्रोह को दबाने के लिए पता चला मेटर्निक को, तो मेटर्निक ने बोला कि रूस को बोला कि तुम जा कर के तुर्की का समर्थन करो, जबकि रूस जो था वो यूनान का विरोधी मतलब यूनान का दुश्मन नहीं था, यूनान का दोस्त था। लेकिन आपको बता चुके हैं कि जब मेटर्निक युग था उस समय पूरे यूरोप में मेटर्निक युग था और मेटर्निक पूरे जगह पे शासन करता, इसके इसका बात सब कोई मानता था। तो इन्होंने ऑर्डर दिया, मेटर्निक ऑर्डर दिया कि रूस तुम जाओ और तुर्की को हेल्प करो, मदद करो, और उसके जरिए जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद, जहाँ जहाँ क्रांतिकारी, जहाँ जहाँ संग्राम हो रहा है वहाँ उसको दबाओ। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ रूस ने जा करके और वहाँ तुर्की के साथ मिल करके और उस स्वतंत्रता संग्राम को दबा भी दिया। जब भी स्वतंत्रता संग्राम दबाया जाता है, जब भी क्रांति राष्ट्रवाद दबाया जाता है, गरीब लोगों को दबाओगे तो वहाँ वो क्रांति पूर्ण रूप से नहीं दबता है और गुस्सा आता है, ठीक है। अब वो प्लानिंग करेंगे तो अब राजा को पता भी नहीं चलेगा और वो प्लानिंग करके धीरे धीरे और उसको फैलाएंगे और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच करके और फिर राजा के खिलाफ क्रांति करेंगे। तो यहाँ पर तो यहाँ के लिए तो 1821 में जो अलेक्जेंडर द्वारा जो क्रांतिकारी ये जो सब राजा को दबाने का काम किए थे, ये तो थोड़ा देर के लिए इनका विद्रोह दब गया, ठीक है, और इनको जेल में ये लोग डाल दिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दूसरी बार फिर क्रांति हुआ, यानी कि दूसरी बार फिर संग्राम हुआ और उसे मौर्या द्वीप का दूसरा विद्रोह, यहाँ देखते हैं कि मौर्या द्वीप में फिर दूसरा विद्रोह शुरू हो गया है, ठीक है। यूनान के समर्थक में यूरोप के कई देशों ने मतलब स्वयं सेवक के रूप में है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि जब मौर्या द्वीप में जब विद्रोह शुरू हुआ
तो देखा गया कि यहाँ पे जो अलेक्जेंडर थे इनको दबाया गया तो लोगों के अंदर गुस्सा फिर से भड़क गया, ठीक है, और बहुत से देश मिल करके, ठीक है, और यूनान के समर्थन में आए, ठीक है, और वो स्वयंसेवक थे। स्वयंसेवक का मतलब होता है कि पैसा दे करके नहीं, जैसे कि होता क्या है कि बिना किसी लालच के अगर कोई व्यक्ति आ करके किसी देश का समर्थन या कहीं भी समर्थन कर रहा है तो उसे स्वयंसेवक कहते हैं। सेवा का मतलब सेवा करने वाला, सेवक का मतलब होता है सेवा करना। तो खुद से आ करके और ये यूनान को मतलब हेल्प करने लगे। यूनान को पूरे यूरोप में बहुत मतलब एक समझिए तो छोटे बच्चा जो होता है, जिस तरह हम लोग छोटे बच्चे को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार आता है, उसी तरह पूरे यूरोप में यूनान को सबसे प्यारा माना जाता था। उसको यूरोप का पालना कहा गया है, ठीक है, तो इसीलिए यूरोप के सभी लोग उसको मतलब काफ़ी अच्छा मानते थे कि क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छा देश है और वहाँ पे हर तरह की क्वालिटी है और हर तरह के लोग मौजूद हैं और वहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि नए नए तकनीक की खोज कर सकते हैं। बहुत ज्ञानी लोग थे और हर क्षेत्र में ना आगे थे यूनान के लोग। आप देख सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में जहाँ तक आप सोच सकते हैं अच्छाई, जहाँ तक आप विज्ञान जा सकते हैं वहाँ तक ये काम कर सकते थे यूनान के लोग। और यूनान के लोगों को इसीलिए सब जगह यूनान के लोगों को इसीलिए माना जाता था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यूनान के समर्थन में यूरोप के कई देश स्वयंसेवक के रूप में आए, ठीक है, और एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे, एक कवि हैं, ठीक है, लॉर्ड बायरन, इन्होंने यूनान के लिए अपना जान तक दे दिया। 1824 में इनकी मृत्यु हो गई। क्रांति के समर्थन में ये हमेशा ही आगे रहे हैं और इन्होंने उस क्रांति में ही, उस संग्राम में ही इनकी जान चली गई तुर्की के समर्थन। अब देखिए अब यहाँ हुआ क्या कि अब इस ये मौर्या द्वीप में जो लड़ाई हुआ है इस लड़ाई को भी दबा दिया गया। देखिए यहाँ पे कैसे और कितना बदतर तरीका से, बुरी तरीका से फिर से यूनान के सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे मौत के घाट उतार दिया गया, ये थोड़ा सा जो कहानी है। तुर्की ने क्या किया कि तुर्की ने जैसे कि सब देश मिल करके और यूनान का समर्थन करने लगे तो तुर्की भी सोचा कि हम भी क्यों नहीं मतलब किसी देश को ला करके अपने साथ मिलाएं और फिर हम लोग मिल करके फिर उस जहाँ जहाँ स्वतंत्रता सेनानी होंगे उसको हम लोग हराएंगे। तो तुर्की ने सारे मुस्लिम लोगों को मुस्लिम देशों में गए और घूम घूम करके और उन लोगों को अपने में लाने की कोशिश की। तुर्की का जो राजा था और वहाँ पे गए तो बहुत देश उसको इग्नोर कर दिए, लेकिन मिस्र के जो राजा थे मिस्र उसके साथ मिल गया। मिस्र में सिर्फ मुसलमान ही है तो मिस्र के लोग इनका समर्थन किए और मिस्र की सेना और तुर्की की सेना मिल करके और वहाँ पे जो विद्रोह हुआ था, जो क्रांति उत्पन्न हुई थी उसको यहाँ पे देख सकते हैं। विद्रोह को दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल किए ये लोग, ठीक है, कौन, मिस्र और तुर्की के जो देश थे ये मिल करके सेना का इस्तेमाल किए और वहाँ की क्रांति को दबा दिए। और उस समय 20,000 यूनानी सेना मतलब यूनान के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और जब ये बात चली पूरे यूरोप में कि 20,000 यूनानी बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि यूनान के लोग विद्रोह कर रहे थे, सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कि हम विद्रोह करें तो राजा भाग जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ये लोग मतलब कि विद्रोह का जो उसको दबाना था तो ये लोग उसके खिलाफ उन लोगों को मौत के घाट उतार करके किए, ठीक है, और वहाँ से विद्रोह दब गया। लेकिन इन लोगों को लगा तुर्की और मिस्र को कि विद्रोह दब गया, लेकिन यहाँ से विद्रोह दबा नहीं, इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। वो कैसे, तो देखिए जैसे ही पता चला कि यूरोप के 20,000 सैनिक मर गए तो पूरा के पूरा यूरोप का में गुस्सा का माहौल बन गया कि यूरोप का मतलब जो यूरोप का पालना कहा जाता था आज वह देखे तो पूरा मातम में डूबा हुआ है और हम लोग ऐसे शांत पड़े हैं, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे इन लोगों ने सब एकजुट होकर के और वहाँ के जो भी बड़े बड़े देश हैं सब देश अब यूनान के साथ आ गए। उसमें आपका ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये लोग मिल गए और मिल करके यहाँ पे पूरा का पूरा यूनान का समर्थन कर लगे। देखे रहे हैं आगे घटना का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट, जब ऐसा कांड किए हैं तो रिजल्ट भी ऐसा ही मिलेगा। यूरोप के लोगों में गुस्सा आया, 1826 की समझौता ब्रिटेन रूस यूनान के साथ, और 1826 में एक समझौता हुआ और ब्रिटेन और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटेन और रूस एक जगह मिल करके और बोले कि हम लोगों को यूनान का समर्थन करना चाहिए क्योंकि यूनान, अरे यार हमारे यहाँ का पालना है, उसको हम ऐसे हारते हुए नहीं देख सकते, वहाँ अलग अलग प्रकार की क्वालिटी वाले लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो यूनान को हम कैसे ऐसे मतलब इस स्थिति में कैसे छोड़ सकते हैं।
फिर 1827 में लंदन सम्मेलन हुआ। याद रखिएगा कि 1827 में लंदन सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में 3 देशों ने भाग लिया, जिसमें 2 पहले से ही पता है आपको, जैसे बताया था कि ब्रिटेन और रूस, और इसमें एक और आ गए तुर्की, ठीक है। और इन्होंने समर्थन मतलब तीनों मिल करके किसमें लंदन सम्मेलन में भाग लिए, और इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम तुर्की के राजशाही और जो भी निरंकुश राजा है वहाँ के उसको समाप्त करेंगे यूनान के साथ मिल करके, क्योंकि जो यूनानियों के साथ हुआ है, ठीक है, ये कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हो, ठीक है, इसीलिए हम चाहेंगे कि हम लोग एकजुट हो जाएं और यूनान का समर्थन करें। देखिए रूस भी कोई अच्छा देश नहीं था, उसकी मतलब इन लोगों के साथ देने के पीछे उसका लालच था, देखते हैं क्या लालच है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नवारिनों की खाड़ी, याद रखिए नवारिनों की खाड़ी में एक तरफ रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और यूनान, और दूसरे तरफ थे इधर तुर्की और मिस्र, यानी तुर्की और मिस्र ये 2 देश एक तरफ, और दूसरी तरफ थे यूनान और क्या बोलते हैं फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। यहाँ 4 देश एक तरफ और 2 देश एक तरफ, तो जाहिर सी बात है कि जिसमें देशों की संख्या ज़्यादा है ये लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इधर के तुर्की को तो हरा ही देंगे। रिजल्ट वही हुआ, दोनों में लड़ाई हुई, विशेष रूप से जो रूस था, रूस और तुर्की में लड़ाई हुई, और ये लोग भी समर्थन में थे, ठीक है, क्योंकि लड़ाई तो मेन यूनान का था, और इसमें तुर्की की हार हुई। और तुर्की के हार होने के बाद से तुर्की की यहाँ पे निर्णय लिया गया कि तुर्की की सेना मतलब यूनान पे राज नहीं करेगी। तो भाई एक बात बताइए, यहाँ बात फिर ये उठता है कि जब तुर्की की सेना यूनान पर राज नहीं करेगी तो किसकी सेना राज करेगी? तो ये हुआ था यहाँ पे, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, 1829 में एड्रियानोपल्स की संधि, तुर्की की सेना। अब यहाँ पे एक चीज़ नाम याद रखिएगा, एड्रियानोपल्स की जब संधि हुई थी 1829 में, तो यहाँ यही इस संधि में कहा गया था कि तुर्की की सेना को हटा दिया जाए, ठीक है, और रूस बोला था कि मेरे सेना को रखा जाए और हम यूनान पे अपना अधिकार जमाएंगे। यहाँ फिर गलत, अभी यूनान चाहता था कि हम स्वतंत्र हो जाएं, जबकि यहाँ वो स्वतंत्र नहीं रह पाया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब यूनान यहाँ पे हुआ क्या कि रूस इस पर अधिकार जमाना था, तो ये बात फ्रांस को और ब्रिटेन को और यूनान के लोगों को भी अच्छा नहीं लगा कि अभी हम तार पर से गिरे हैं और फिर आकर के खजूर पर अटक जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि 1832 का प्लानिंग ये लोग बता रहे हैं, ऐसे ही लड़ाई चलता रहा, क्रांति रुका नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ तुर्की बाहर हुआ था, अभी फिर रूस चाहता था कि हमारी जो भी सेनाएँ हैं वो यूनान पर राज करें। तो यहाँ वही हुआ, यूनान पर राज ये लोग कर जबरदस्ती करना चाहता था और ये किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यूनान स्वतंत्र होना चाहता था। और 1832 में कुस्तुंतुनिया की संधि हुई, ठीक है, और इस संधि में जब संधि हुआ तो यहाँ पे तुर्की रूस के सेना को यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे किसी का राज नहीं रहेगा, यूनान स्वतंत्र रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूनानी लोगों ने मिल करके रूस को हरा दिया, और कुस्तुंतुनिया की संधि 1832 में हुई, और इसमें बोला गया कि जो यूनान है वो स्वतंत्र रहेगा, ठीक है, और यहाँ का जो भी राजा अगर बना चाहेगा यहीं का राजा बना। लेकिन हुआ है कि बवेरिया के जो राजकुमार थे ओटो, उनको यहाँ पे यूनान का राजा बना दिया गया। तो यूनान को हम देख सकते हैं कि एक ऐसा खूबसूरत देश जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वो किसी न किसी माध्यम से वो इतना पिछड़ता गया, और वो माध्यम क्या था, तो उन लोगों की अय्यासी में वो इतना डूब गए कि अपनी क्वालिटी को भूल गए, और क्वालिटी को भूलने के बाद से दूसरे के अधीन आ गए, और दूसरे के अधीन आए और गुलामी की ज़िंदगी जीने लगे, और इन्हीं लोगों के वजह से 20,000 सैनिक भी मारे गए। आखिरकार तुर्की आया और इन पर अधिकार जमा लिया। और देखिए तुर्की को ये लोग कमज़ोर भी किए, लेकिन कहा जाता है बुराई का समर्थन करने ज़्यादा लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, और मेटर्निख का तो काम ही था कि जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद उत्पन्न हो, स्वतंत्रता सेनानी उत्पन्न हो, उसको दबाना मेटर्निख का फितरती गुण था, वो हमेशा इन्वॉल्व उसमें हो ही जाता था। और यहाँ कई बार मेटर्निख भी मैटर में पड़ा और दबाने की कोशिश की, लेकिन अंततः हुआ क्या कि जब देखा गया कि यूनान इतना खूबसूरत देश है, यूरोप का पालना है, ठीक है, तो यूरोप के सारे लोगों ने उसका समर्थन किया और उस पर पड़ रही मरणा रही बुराइयों को दबाया, और वो बुराई थी तुर्की और उसका साथ देने वाला मिस्र।
और उन दोनों को दबाया गया, तब तक जब इन दोनों को दबाया गया था इस कहानी में, ठीक है, तो रूस आया था इन लोगों के साथ मिल करके तुर्की को और मिस्र को हटाने के लिए, लेकिन वो उसका प्लानिंग था कि ये जब हट जाएंगे तो यहाँ रूस की सेना राज करेगी, लेकिन रूस की सेना ये बात यूनानियों को अच्छा नहीं लगा और फिर ब्रिटेन, फ्रांस और यूनानियों ने मिल करके फिर रूस को हरा दिया और रूस को हारने के बाद से पूर्ण रूप से यूनान आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद से वहाँ बवेरिया के राजकुमार जो ओटो थे वहाँ के राजा बन गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आएगी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।